Good afternoon, students. Today we are going to discuss the second part of antimicrobials, starting from hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ka formula hai H2O2. It is also known as dioxidane or oxydenyl or perhydroxic acid. Then comes the physical properties of hydrogen peroxide. It is a clear, colorless liquid. It is odorless and bitter in taste. It is easily miscible in water. Then comes the chemical properties of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide gives decomposition reaction. सबसे पहले क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन. H2O2 को हीट किया, इट गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन. देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लेड सल्फाइड ले लेते हैं. लेड सल्फाइड में से जब हाइड्रोजन परऑक्साइड पास करेंगे तो उसका लेड सल्फेट प्लस वाटर बन जाएगा. उसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड की अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन आ जाएगा. फिर फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2, जब इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास फेरिक सल्फेट प्लस वाटर आ जाएगा. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज रिडक्शन. हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, बट कई बार ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने सिल्वर ऑक्साइड लिया, सिल्वर ऑक्साइड में से हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड पास की. हाइड्रोजन परऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास सिल्वर मेटल अलग से फ्री हो जाएगा प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन. देन KMnO4 के साथ जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास आएगा पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. जब कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है. देन इज द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर थ्रू दो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस. जब हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को तब वो एसिडिक है, लेकिन डाइल्यूट में ये न्यूट्रल है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, कहने को एसिड बेस रिएक्शन है, तो हमारे पास आता है सोडियम परऑक्साइड प्लस वाटर. देन विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स बेरियम परऑक्साइड एंड वाटर. देन सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स सोडियम परऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. Then are the methods of preparation of hydrogen peroxide. सबसे पहला method है हमारे पास from sodium peroxide. इस method को बोलते हैं Merck's method. इसमें क्या करते हैं हम, calculated amount of sodium peroxide is gradually added to an ice cold solution of 20% sulfuric acid with constant stirring. हमने क्या करना है, सोडियम परऑक्साइड लेना है, उसमें हमने ऐड करना है इन सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में एक साथ नहीं ऐड करना, हमने आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेना है पहले तो सोडियम परऑक्साइड का, उसको धीरे धीरे इन पार्ट्स ऐड करना है इन सल्फ्यूरिक एसिड. हमारे पास सोडियम सल्फाइड एंड H2O2 आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे. जो सोडियम सल्फेट, ये वाटर भी होता है इसके साथ लगा हुआ, ये सेपरेट हो जाएगा और जो बाकी का सोल्यूशन है H2O2 का, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 30% H2O2 का सोल्यूशन आ जाएगा. उसके बाद इसको फर्दर प्योरीफाई कर सकते हैं यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन, ताकि कोई भी और सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स अगर उसमें हैं तो वो निकल जाए.
Then second method is from barium peroxide. Barium peroxide और sulfuric acid जब आपस में react करते हैं, इसमें भी sulfuric acid जो है वो cold लेना है, तो हमारे पास barium sulfate and hydrogen peroxide आ जाएगा. एक और method है, barium peroxide से ही हम अगर उसमें carbon dioxide pass करेंगे in the presence of water, it will give barium carbonate and hydrogen peroxide. Next is the assay of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide oxidation reduction titration के through assay करते हैं इसका. इसमें क्या करेंगे हम, standard solution लेंगे potassium permanganate का in the presence of sulfuric acid. हमारे पास क्या आएगा, KMnO4 plus sulfuric acid plus H2O, water में solution बनते हैं सारे, तो K2SO4 plus MnSO4 plus H2O. यहाँ पे H2O2 आएगा तभी यहाँ पे वाटर बनेगा और ऑक्सीजन आएगा. इस टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है, टाइट्रेशन बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 एंड KMnO4 के बीच में हो रही है. दोनों के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लेके उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में टाइट्रेट करवाना है. इसमें इंडिकेटर जो है वो पोटेशियम खुद से ही इंडिकेटर का काम करेगा, और पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है. एंड पॉइंट कैसे आएगा, पिंक कलर परसिस्ट कर जाएगा. देन आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. सबसे पहले इसके आते हैं हमारे पास मेडिकल यूजेस. इसको कहाँ यूज करते हैं, एज एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइडल, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, सर्जिकल टूल्स की स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं, रूम्स की स्टरलाइजेशन करने के लिए भी यूज करते हैं. उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट, बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये एक्टिव है. इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं वूंड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए. जब आपके चोट लग जाती है, वहां पे जख्म हो जाता है, उसकी डिसइंफेक्शन के लिए भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज करते हैं. देन अदर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इंक्लूड कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस. इसको हम यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके एज ब्लीच. ब्लीच कहाँ पे, फॉर ह्यूमन हेयर के लिए. देन इसको हम यूज करते हैं फॉर टूथ वाइटनिंग के लिए, दांतों को सफेद करने के लिए. टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने में भी, पिंपल्स जब हो जाते हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है. उसके अलावा इसके कुछ और यूजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एज प्रोपेलेंट, रॉकेट में यूज किया जाता है बायो प्रोपेलेंट की तरह से. देन एज एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. इस हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम एसीटोन परऑक्साइड बनाते हैं, विच इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव. देन इंडस्ट्रियली इसको यूज किया जाता है, पेपर और पल्प की ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम पर कार्बोनेट और सोडियम पर बोरेट के लिए यूज किया जाता है. देन आर द आयोडीन एंड इट्स प्रेपरेशंस. आयोडीन का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, I2. इट इज अ ग्रे ब्लैक कलर ब्रिटल इरिटेंट ऑर्डर कंपाउंड विच इज वॉलेटाइल इन एयर. मतलब इसको अगर आप आयोडीन के ना बॉल्स या ग्रेन्यूल्स की जैसा ये होता है, अगर इसको आप हवा में रखोगे तो ये उड़ जाएगी, इजिली वॉलेटाइल हो जाती है रूम टेम्परेचर पे. इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वॉटर बट हाईली सॉल्युबल इन कंसेंट्रेटेड आयोडाइड सोल्यूशन. पानी में ये डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन अगर अब इसका पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ले लेंगे तो उसमें ये इजिली डिजोल्व हो जाएगी. देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन. इट मेल्ट्स एट 114 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिसोशिएट्स एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड. 114 पे ये मेल्ट तो कर जाती है, लेकिन आयोडीन को तोड़ने के लिए इंटू टू आयोडीन मॉलिक्यूल्स हमारे पास 700 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए. अदर रिएक्शंस में हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आयरन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास फेरस आयोडेट बनता है. हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर फ्री हमारे पास आ जाता है. नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन. आयोडीन कहाँ से बनती है, ये हमारे पास एक सीवीड होती है, उसकी ऐश से बनाते हैं हम. सीवीड जो यूज करते हैं दैट इज
लोमिनेरिया डिजिटेटा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, आयोडीन के सॉल्ट्स होते हैं। पहले हम इस सी वीड को कलेक्ट करते हैं, उसको हम ड्राई करते हैं, जलाते हैं, फिर उसके बाद उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं उसका। पहले क्या किया हमने, वीड ली, कलेक्ट की, उसको ड्राई किया, जलाया, उसकी जो ऐश आई उसको हमने कलेक्ट कर लिया, उस ऐश को बोलते हैं केल्प। उस ऐश को हमने क्या किया, फिर पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बना लिया, उसको फिर उस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेट करके उसमें क्या होगा, उसके उसमें से जो सल्फेट है या क्लोराइड्स हैं, सोडियम सल्फेट या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स हैं, वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, उनको रिमूव कर दिया, तो पीछे हमारे पास पास बच गया सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड्स। सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड्स बच गए, उनको हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्ट करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैंगनीज ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, आयोडीन एंड वाटर। ये जो आयोडीन आती है हमारे पास, इसको हम फिर से प्योरीफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, वाटर इवेपोरेट करेगा, फिर इसको हम इसके ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन इज द एसे ऑफ आयोडीन। आयोडीन को कैसे ऐसे कर का ऐसे कैसे होता है, यूजिंग आइडोमेट्रिक रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इन पोटेशियम आयोडाइड। अभी मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की थी कि आयोडीन जो है वो वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबलाइज नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का काम क्या है कि उसने आयोडीन को डिसॉल्व करवाना है। कैसे डिसॉल्व कराता है वो हम आगे इसमें करेंगे, पहले हम इसका ऐसे कर लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड लिया, आयोडीन का सोल्यूशन उसमें बनाया, देन 2 मोलर एसिटिक एसिड के साथ इसको के साथ मिक्स कर दिया, देन इसको टाइट्रेट कराया विद 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इंडिकेटर यूज किया आपने स्टार्च। रिएक्शन कैसे होगा, सोडियम थायोसल्फेट प्लस आयोडीन गिव्स सोडियम सल्फेट एंड सोडियम आयोडाइड, हमारे पास आ गया सोडियम आयोडाइड। रिएक्शन है, आयोडीन को डिसॉल्व करना है इन पोटेशियम आयोडाइड, उसको फिर हमने रिएक्ट डालना है 2 मोलर एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर को टाइट्रेट करवा देना है विद 0.1 नॉर्मल सोडियम थायो सल्फेट यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोडीन जो है वो कैसे आयोनाइज करता है। यूजली जो है वाटर को ये एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में टूटेगा, लेकिन आयोडीन जो है वो 2 आयोडीन में आयंस में नहीं टूटता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोटेशियम आयोडाइड डालना पड़ता है। पोटेशियम आयोडाइड किस में डिसोशिएट करता है, इनटू के पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव। ये जो के पॉजिटिव है ये हेल्प करता है इसकी आयनाइजेशन में, और जिसकी वजह से हमारे पास I3 नेगेटिव एक आयन बन जाता है विच डिसॉल्व्स इन वाटर, इसलिए हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं इसकी सॉल्यूशन बनाने में। देन आर द यूजेस ऑफ आयोडीन, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इसको यूज करते हैं। इसके अलावा आयोडाइज्ड सॉल्ट में यूज किया जाता है, अदर प्रेपरेशंस भी इसकी आती हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन में इसका सॉल्यूशन बना के हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं लुगोल्स सॉल्यूशन, या टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है, एक स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं। देन वी हैव पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन एज वेल, तो इनको हम आगे एक एक करके रखते हैं। सो फर्स्ट इज एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, ये हमारी अब आयोडीन की प्रेपरेशंस शुरू हो गई। पहले हमने आयोडीन किया, अब उसकी प्रेपरेशंस। एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, 5% वेट बाय वेट ऑफ आयोडीन एंड 10% वेट बाय वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो इंग्रेडिएंट्स में इसमें क्या होगा, 50 ग्राम आयोडीन होगा, 100 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड होगा, टोटल वाटर हो जाएगा 1000। तो ये हो गया आपका एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं. इट इज अ ट्रांसपेरेंट ब्राउन लिक्विड विद द स्मेल ऑफ आयोडीन. प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये क्वांटिटीज मेंशनड है, इनको मिक्स कर देना है, आपके पास एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा. ऐसे इसका सेम है एज आयोडीन. देन आर द यूजेस, इसको यूज कहां करते हैं, एज जर्मिसाइड, फंगीसाइड, और इसके अलावा इसको यूज होता है एज सोर्स ऑफ आयोडीन. देन इज द वीक आयोडीन सॉल्यूशन. वीक आयोडीन सॉल्यूशन आपके पास 2% वेट बाय वेट वॉल्यूम, वेट बाय वेट आयोडीन है, प्लस 2.5% पोटेशियम आयोडाइड इन 50% अल्कोहल. तो इसमें ये क्वांटिटीज चलेंगी. इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, 20 ग्राम आयोडीन, 25 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 1000 ml अल्कोहल. इसमें 50% अल्कोहल होगी. ये भी ट्रांसपेरेंट ब्राउन लिक्विड है विद द स्मेल ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल. इसको यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक. देन इज द स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन. स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन में 10% वेट बाय वेट ऑफ आयोडीन लेंगे और 6% वेट बाय वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे. तो उस तरह से इसकी क्वांटिटीज हो जाएंगी 100 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम प्योरिफाइड वाटर एंड 90% अल्कोहल लेंगे. ये भी ट्रांसपेरेंट ब्राउन लिक्विड है विद द स्मेल ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल. प्रेपरेशन कैसे है, ये सारी क्वांटिटीज मिक्स कर दोगे आप, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसे सेम एज आयोडीन एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एजेंट. देन इज द पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन. पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन क्या है, इट इज 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ फ्री आयोडीन. पोविडोन क्या है, इसमें पोविडोन है पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन, इन दोनों का मिक्सचर है. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पोविडोन आयोडीन इज अ येलोविश ब्राउन अमॉर्फस पाउडर. ये क्या करता है, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है. इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड द सॉल्यूशन इज एसिडिक. इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, नॉन इरिटेंट है, नॉन स्टेनिंग है. इट इज इजिली रिमूव्ड फ्रॉम क्लोथ्स बाय वॉशिंग. इसको यूज कहाँ करते हैं, एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, और इसको इसको फर्दर डाइल्यूट कर सकते हैं अप टू 1%. देन इज द लास्ट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl और एक Cl और लगे, इस तरह से ये बॉन्डेड है. ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड. इट इज अ ड्राई डल वाइट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. देन कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज डीकम्पोज्ड इन एयर. एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोहेलस हाइपोक्लोराइड बना देगा. देन ऑन डीकम्पोजिशन ये क्या बनाएगा हमारे पास, CaClO3 ट्वाइस प्लस CaCl. Then decompose करता है, जब हम इसको acid डालते हैं इसमें, तो हमारे पास calcium chloride plus water plus chlorine निकल जाएगा. Then is the preparation. Prepare कैसे करते हैं, calcium hydroxide में chlorine डालते हैं, तो हमारे पास calcium oxychloride आ जाएगा plus water. फिर इसका assay आता है. Assay इसका है direct idiometric redox type of reaction है. कैसे होगा, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे इन पोटेशियम आयोडाइड, उसमें एसिटिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उस मिक्सचर को हम रख देंगे डार्क में फॉर 10 मिनट्स, देन उसको टाइट्रेट कर देंगे विद सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर. ये उसका रिएक्शन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और एसिटिक एसिड का रिएक्शन बनेगा. हमारे पास ये बन जाएगा कैल्शियम एसिटेट, HOCl एंड HCl. उसी तरह से आयोडीन भी है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया था, तो वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और स्टार्च की वजह से उसका कलर चेंज जो है आ जाएगा. देन कम्स द यूजेस. इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ एजेंट की तरह यूज किया जाता है. ठीक है,